रामनगर में G20 समिट के लिए डिग्री कॉलेज की दीवारों में प्रदेश की संस्कृति कोरे हुए बेहतरीन वॉल पेंटिंग की गई, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने इन पेंटिंग्स को जनता को देखने के लिए इस रोड को सुबह शाम बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें सुबह 5 बजे से 7 बजे और शाम को 6 से 8 बजे के बीच ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन शाम को बंद किए जाने से अब ये रोड परेशानी का सबब बन रही है। इसके चलते ट्रैफिक कोसी रोड को डाइवर्ट हो रहा है, जिससे शाम को इस रोड पे दिक्कतें शुरू हो गई हैं। शाम लग रहा है 6 से 8 बजे तक का, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। यहाँ से आप जाओ तो कोई मरीज हल्द्वानी लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि रास्ता ही नहीं यहाँ पे। फिर आप बालाजी घूम के आओ ऊपर रोड पे तो वहाँ भी जाम लगा पड़ा है, आदमी जाए तो जाए कहाँ, बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है यहाँ पे। यार में बहुत परेशानी है, बहुत जाम है और एक्सीडेंट होने को तैयार रहते हैं, जगह है नहीं वहाँ पे किसी भी प्रकार की, और बड़ी बड़ी गाड़ी आती है बाहर वालों की, उन्हें भी दिक्कत है और वहाँ पे रहने वालों को भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ। तो ये सही होनी चाहिए, वैसे बहुत दिन से इसकी बात चल रही है पर सही नहीं हो रहा। उत्तरकाशी के मोरी में बरसात के मौसम में पारंपरिक मेलों की धूम है। सोड़गांव में सोमेश्वर देवता का मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवता सोमेश्वर की पूजा की और क्षेत्र में परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। हम सोड़गांव में हैं और यहाँ पर इष्ट देव सोमेश्वर महादेव का आषाढ़ का मेला चल रहा है, और आषाढ़ के मेले में यहाँ पर क्षेत्र के अडोर पट्टी, बड़ा सुपट्टी, पंजगाई पट्टी, सभी जगह के सियाणे बजीर यहाँ पर आए हुए हैं और अन्य मेहमान लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का गांव के लोगों द्वारा भव्य और दिव्य स्वागत किया गया है। और सोमेश्वर महादेव अपने जो यहाँ का मंदिर है उसमें उनको रात्रि वहाँ पर विराजमान हुए, और अर्चना के बाद सोमेश्वर महादेव सभी के दर्शनार्थ बार उनको एक पंडाल के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर सभी लोग सोमेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। भवाली नगर पालिका ने अपनी जमीनों को कब्जे से बचाने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिस पर वो काम कर रही है। नैनीताल की भवाली पालिका अपनी जमीन को खुद बचाने के लिए आगे आई है। पिछले 2 महीने में पालिका ने अपनी 266 नाली जमीन खोज निकाली है। वहीं सरकारी जमीन पर बाहरी लोग कब्जा न करें, इसके लिए भवाली पालिका 6 नाली में हरसौली गौ आश्रम तैयार करने जा रही है। वहीं कैची धाम के आसपास पालिका अपनी खाली जमीन पर पार्क, पार्किंग, होटल और लॉज के साथ ओपन जिम तैयार करने का प्लान बना लिया है। मकसद ये कि पर्यटक यहाँ ज़्यादा हैं और मध्यम वर्गीय पर्यटक भी यहाँ पर लगातार क्षेत्र में, क्योंकि पर्यटक अक्सर पर्यटक सीजन में आते हैं तो सीजन ही काम रहता है, तो हमारी ये सोच है कि पर्यटक लगातार इस क्षेत्र में आए। और साथ ही सबसे बड़ी सोच है कि नगर पालिका जो स्वयं शासी बॉडी और शासन प्रशासन हमेशा कहता है कि अपने आय के स्रोत ढूंढें। दरअसल पालिकाओं की जमीन पर तेजी से कब्जे हो रहे हैं, तो नैनीताल में पालिका के आवासों पर सालों से कई लोग कुंडली मार कर बैठे हैं। वहीं अब पूरे राज्य का सर्वे कर जमीनों को खाली कराने के प्लान पर सरकार काम भी कर रही है। देखिए, जो हमारी संपत्तियां निकाय की, उसके लिए एक निर्णय हुआ है कि जिलाधिकारी के माध्यम से उसका पूरी तरह से उसका सर्वे किया जाए, और साथ साथ हमारे कुछ निकायों में हम लोग ड्रोन सर्वे भी करा रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।